नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे हाइब्रिड विंका के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल वाला पौधा है जो आप गर्मियों में ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, और गर्मियों में भी आपके गार्डन को ये फूलों से भर देगा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और इतने सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं और एक ही पौधे पर ढेरों फूल आते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब इस पौधे को हम लगाते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। कभी कभी पौधा अचानक से सूख जाता है, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका पौधा ये सदाबहार का कभी नहीं सूखेगा, यानी कि हाइब्रिड विंका। तो दोस्तों, ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हम इस पौधे को लेकर आते हैं और आके जैसे हमने इसको लगाया, थोड़े दिन बाद ही ये पौधा अचानक से सूख जाता है। तो उसका जो मेन कारण है वो ये है कि ये पौधा जैसे हम पानी लगाते हैं इसमें, तो इसकी जड़ों में एकदम से पानी स्टोर हो जाता है। ज़्यादा पानी लगाने की वजह से इसकी जड़ गल जाती है, और जिससे कि हमें अचानक ही हमारा पौधा नीचे से जो उसकी जो स्टेम होती है वो सूखने लगती है और पौधा मर जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना दें। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको इसका बताती हूँ, आप इस पौधे को हमेशा छोटे से गमले में लगाएं। अगर आप इस पौधे को जितने छोटे गमले में लगाएंगे उतना अच्छे से ग्रोथ करेगा। मैंने ये देखा है, मेरी पहली बालकनी में मैंने बहुत सारे लगा रखे थे और मेरे पहले ख़राब भी होते थे, लेकिन फिर मैंने जब इनको छोटे गमलों में लगाया तो मेरे कई सालों तक कोई ख़राब नहीं हुए और इतने फूल आते थे उन पर, सर्दी गर्मी हमेशा फूल आते थे। तो आप ये कोशिश करें कि इसके जो पौधे आप लाते हैं उनको आप छोटे वाले गमले में लगाएं। छोटे गमले में पानी कम स्टोर होता है और जल्दी भी सूख जाता है, जिसकी वजह से पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और पानी जब ही दें जब इसको ज़रूरत हो। तो आप ये बात समझ गए होंगे, अगर आप इसको लाते हैं और ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको छोटे गमले में लगाइए और मुझे बताइए फिर आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा धूप की बात करें तो धूप इसको कम से कम 4 से 5 घंटे ज़रूर चाहिए, धूप में इसके अच्छे फूल खिलते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें हर 15 से 20 दिन में, जैसे कि या तो आप कंपोस्ट ही दें या फिर सरसों की खल वाला जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो दें, या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र भी आप इसमें दे सकते हैं। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र 20-25 दिन में आप इसमें डाल दें। बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं रहती, बिना फर्टिलाइज़र के बहुत अच्छे इस पर फूल आते हैं। दोस्तों, अगर इस पर फूल नहीं आ रहे हैं, आपके पर कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें थोड़ी थोड़ी। प्रूनिंग करने से उसमें बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। और जितने भी हाइब्रिड विंका हैं और इन पर सब पर बीज भी आते हैं, जब इनके बीज आए तो आप उनको स्टोर करके रख लें और उनको ग्रो कर लें कभी भी। तो ग्रो करेंगे तो आपको उनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिस कलर का आपका विंका का पौधा है बिल्कुल उसी कलर के आपको छोटे छोटे पौधे बहुत सारे मिलेंगे। तो उन बीजों को कभी भी बेकार ना जाने दें, जो भी इस पर बीज लगते हैं उनको आप कलेक्ट कर लें और जब भी आपको मौका लगे आप उन बीजों को ग्रो करें, तो बहुत सारे आपके उसी रंग के बहुत सारे फ्लावर्स वाले प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मेन जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि बहुत जल्दी पौधा ख़राब हो जाता है। कभी कभी हम जब इसको लेकर आते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो ओवर वाटरिंग से बचने के लिए इसको आप छोटे गमले में लगाइए, इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। छोटे गमले में भी बहुत अच्छे से फूल आते हैं, इस पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और इसकी जड़ें भी कभी निकलती हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।